एक जासूस और एक सिपाही कई मायनों में एक जैसे होते हैं और कई मायनों में एकदम अलग। दोनों का काम दुश्मन को हराना होता है। दोनों ही राष्ट्र की जीत के लिए लड़ते हैं और दोनों ही देशभक्ति की मिसाल होते हैं। पर एक सिपाही दुश्मन पर सामने से वार करता है और जासूस दुश्मन के बीच में रहकर। सिपाही बहादुरी से जीतता है और जासूस बहादुरी और चतुराई से। सिपाही निडरता से वार करता है बिना झिझके बिना रुके। पर जासूस पहले दुश्मन का विश्वास जीतता है, उसका हिस्सा बनता है, उसकी कमजोरी ढूंढता है, उसे अपने कमजोर होने का एहसास दिलाता है और जब उसकी ढाल नीचे हो तब अपना वार कर देता है। शरण कौर की कहानी 1834 की है, जब सिख साम्राज्य पीक पर था। महाराजा रणजीत सिंह जी, जिन्होंने पूरी हिम्मत से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो दुनिया में एक इकलौता ऐसा साम्राज्य था जिससे अफगान भी डरते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी डरती थी और दूसरी तरफ रशियंस भी डरते थे। उन्होंने सतलुज से लेकर खैबर पास तक अपना साम्राज्य फैलाया, उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में सिंध तक, पूर्व में तिब्बत तक इतना साम्राज्य फैला लिया था कि सभी प्रांत इस बीच खैबर पास से सतलुज तक उनके कंट्रोल में थे। हरि सिंह नलवा, जो कि बहुत ही काबिल जनरल रहे हैं सिख साम्राज्य के, उन्हें जामरूद फोर्ट की देखरेख के लिए और उसे नई तरह से स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था। शरण कौर की कहानी इन सब से जुड़ी हुई है। शरणी का वर्णन हरि सिंह नलवा जब पेशावर और रावलपिंडी के इलाके के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे उसके बाद आता है और उसका वर्णन शुरू शुरू में एक साधारण ब्राह्मण लड़की के रूप में है। कई अरमानों के साथ मैं डोली में सवार हुई। एक नई जिंदगी की चाह थी, पति के प्यार की तमन्ना थी, आंखों में सपने थे, पर कई सपने सच नहीं हो पाते, बस सपने ही रह जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही सपना देखा था। मेरी डोली मायके से तो उठ गई पर ससुराल नहीं पहुंच पाई। तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। शरण कौर का नाम शरणी था और जामरूद किले के नजदीक उसका गांव था। 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई और शादी होकर जब वो डोली में जा रही थी, जंगल से गुजर रही थी बारात, तो उस बारात पर लुटेरों ने हमला किया। हमला होते ही लुटेरे शरणी को डोली में से खींचने लगे। उन्हें सामान और पैसे और गहने लूटने थे, तो इस हमले से शरणी बहुत ही डर गई थी और वो अपने बचाव की कोशिश कर रही थी। कहा जाता है कि उन दिनों, क्योंकि अफगान तो अब सिखों के साथ खुले मैदान में तो जंग हार चुके थे, तो उनके पैसा कमाने का एक तरीका ये था कि जब भी कोई बारात निकलती थी
तो वो उस पर हमला करते थे और लड़की को उठा के ले जाते थे और लूट लेते थे, जो भी जेवर पैसा जो भी जा रहा होता था डोली के साथ उसको लूट लेते थे। मैं डाकुओं से बच के पूरी जान लगा के भाग रही थी, पर मुझे पता था कि मेरे पैर जवाब दे जाएंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनके पांव रुक गए। डर उनकी शक्ल पे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने मुंह उठा के देखा तो सामने सिख सिपाही खड़े थे, शूरवीर बहादुर। जिंदगी तो ये थी, तेज की, पराक्रम की, खालसा सिखों की। जब मैंने सिखों को उन डाकुओं को मारते हुए देखा तो मैंने सोच दिया, जीना है तो ऐसे ही जीना चाहिए। जब अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में हो, किसी की मेहरबानी पे ना हो। मुझे भी अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में चाहिए थी। इसी दौरान वहां कुछ सिख सिपाही आ गए और उन्होंने मौकाए वारदात पर उन लुटेरों पर हमला किया और शरणी को बचाकर हरी सिंह नलवा जी के दरबार में ले आए। हरी सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह के कमांडर इन चीफ थे अलोंग द अफगान फ्रंटियर। कहते हैं कि बचपन में उन्हें रंजीत सिंह के दरबार में कोई जमीन के झगड़े के कारण भेजा गया था। वहाँ पे हरी सिंह ने ऐसे अपने हुनर दिखाए, ऐसी ताकत दिखाई कि रंजीत सिंह उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको अपनी नौकरी में रख लिया। हरी सिंह करीबन 18-19 वर्ष के होंगे जब वो एक दिन महाराजा के साथ शिकार पे गए। शिकार के समय रंजीत सिंह और हरी सिंह बाकी लोगों से अलग हो गए। जिस समय एक खूंखार शेर ने हरी सिंह पे वार किया, इस मुठभेड़ में हरी सिंह का घोड़ा बहुत बुरी तरह घायल हुआ, पर हरी सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अकेले छोटी सी कृपाण केवल हाथ में लेके बाघ को मारा। रंजीत सिंह खड़े होके ये पूरी घटना को देख रहे थे और जब हरी सिंह नलवा ने शेर मार दिया तो रंजीत सिंह, कहा जाता है कि रंजीत सिंह ने कहा, वाह मेरे राजा नल। और इस घटना के बाद और लोगों ने हरी सिंह को नलवा के नाम से पुकारना शुरू किया। कहने को तो एक दिन ही बदला था, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मुझे पता था कि अब मैं ना आगे ससुराल जा सकती हूं ना पीछे मायके। जब सरदार हरी सिंह नलवा ने पूछा कि मेरा नाम क्या है तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। शरणी तो अब मर गई थी, वो तो दुनिया के लिए उसी समय मर गई थी जब उसे डाकू उठाकर ले गए थे। तो सरदार ने मुझे एक नया नाम दिया, जो मेरी शरण में आई है वो आज से शरण कौर। ये समझा जाता है कि वो कौर बनी है, मतलब वो सिखनी बनी है, और सिखनी बनने के लिए उसे अमृत छकना होगा जो उसने किया होगा। और अमृत जब छकते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की ज्वाला होती है, एक अलग तरह की ताकत पैदा होती है, एक सच्चाई के लिए लड़ने की हिम्मत आती है, लोगों को बचाने की हिम्मत आती है, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने की हिम्मत आती है। इसके अलावा आप सिपाही भी बनते हैं, आप एक सिख भी हैं और एक सिपाही भी हैं। ये दो चीज़ें जब एक साथ आती हैं तो आप दुनिया हिला सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को ये ऐसा एक रास्ता दिया जिसके द्वारा
वो एक सेरेमनी में ही अपने आप को इतना एम्पावर्ड फील करते थे, उन्होंने ये उनको विश्वास दिलाया कि एक खालसा 125,000 आदमियों के बराबर है। और ये जो डीप सीटेड बिलीफ लोगों में आई कि एक आदमी 125,000 के बराबर है, इसके आधार पे सिखों ने ऐसी ऐसी जगह जीते हासिल की जहाँ पे अगर ठंडे दिमाग से बैठ के कोई सोचे तो बिल्कुल नामुमकिन लगे। इस हादसे के बाद मुझे एक बात तो समझ आ ही गई कि जिंदगी वही है जो बहादुरी से जी जाए, किसी मकसद से जी जाए। सिर्फ अच्छा और सच्चा होना काफी नहीं है, बुराई और झूठ को खत्म करने की ताकत भी होनी चाहिए। और अब मुझे भी वो ताकत हासिल करनी थी, पर कैसे? कैसे मैं हरी सिंह जी को विश्वास दिलाती कि एक औरत भी युद्ध का हिस्सा बन सकती है, कि उसकी जगह सिर्फ रसोई में नहीं है, वो अपनी सूझबूझ से सेना की कमान भी संभाल सकती है। हरी सिंह नलवा जी ने शरण कौर को अपने यहां शरण देकर उसे कुछ जिम्मेदारियां दी, और जैसे कहा जाता है कि औरतों का काम चूल्हा चौका होता है, उसी तरह शरण कौर भी चूल्हे चौके का काम करने लगी। और इस दौरान उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि उसमें कुछ करने का जज्बा था। एक बार हरी सिंह नलवा जी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कोई बर्तन गिर रहा है किसी के हाथ से, और बहुत ही फुर्ती से शरण कौर ने उसे झेल लिया। ये फुर्ती देखकर हरी सिंह नलवा जी ने सोचा कि इस लड़की में कुछ तो है जो ये करना चाहती है। तब उन्होंने ये सोचा कि इसे एक सिपाही बनाया जाए, जो कि वो खुद भी चाहती थी। उसने ये हरी सिंह नलवा जी से कहा था कि वो इन सिख सिपाहियों से बहुत प्रभावित है, तो वो इनकी तरह बनना चाहती है। ये चीज़ हरी सिंह नलवा जी को उस वक्त सूझी जो उन्होंने शरण कौर को एक सिपाही की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया। जिस दिन मैंने पहली बार तलवार हाथ में पकड़ी, मैं समझ गई कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं दिल से एक सिपाही थी और इसी जिंदगी के लिए बनी थी। जब सिख सिपाहियों ने शरण कौर को बचाया और हरी सिंह नलवा के दरबार में लाया, तब उसे ऐसा लगा कि ये मेरा दूसरा जन्म है और इस जन्म में मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे इन सिपाहियों की तरह बनना है। और उसके अंदर वो जज्बा जाग उठा। वो सिख सिपाहियों को देखकर ये सोचती थी कि मैं भी इनकी तरह बनूं। उसने ट्रेनिंग करने में कहीं भी कमी नहीं दिखाई और उसे ऐसा लगा कि यही वक्त है कि मैं अपनी जिंदगी इस कौम के नाम करूं, दुश्मनों से लड़ूं और जितना हो सके मैं सिख साम्राज्य को दूं। हरी सिंह नलवा जी ने जब ये तय किया कि शरण कौर को ट्रेनिंग दी जाए, तब उसे तलवारबाजी और जो लड़ाई की तकनीक्स होती हैं वो उन्होंने उसे सिखाना शुरू किया। चार चार सिपाहियों के साथ अकेली लड़की जब ट्रेनिंग कर रही थी, वो ट्रेनिंग के दौरान ही इस तरह से पेश आ रही थी जैसे वो सही किसी एनिमीज के साथ लड़ रही है। तो ये जज्बा उन्होंने देखा और उन्होंने सोचा कि इसकी जो एनर्जी है, इसका जो जज्बा है, उसे सही तरह से चैनलाइज किया जाए। जैसे जैसे मेरी तालीम पूरी होती गई,
सरदार हरी सिंह नलवा ने मुझे आसपास फैले अफगानी कबीलों के बारे में बताया। मुझे पता चला कि जमरूद में आके हरी सिंह नलवा ने खैबरी पठानों को पहली बार हराया था, और इतनी बुरी तरह कि अफगानी हरी सिंह नलवा के नाम से भी डरते थे। लेकिन फिर भी अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अफगान हमेशा सिख साम्राज्य को हराने की ताक में रहते थे। इनमें से खासकर दोस्त मोहम्मद और अकबर अली का नाम था। दोनों खूंखार और बहुत ही क्रूर थे। हरी सिंह नलवा जी ने अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से अफगानों को काफी समय तक सिख किंगडम से दूर रखा। सिख किंगडम जो पश्चिमी रीजन में बचा हुआ था वो सिर्फ हरी सिंह नलवा जी की वजह से। तो जो उन्होंने दहशत फैली थी उनके वजह से, उनके नाम से, उनके वैलर से, कि ये वो इंसान है जो अपने हाथ से एक शेर को मार सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये दुश्मनों पर इनका नाम ही हावी हो जाता है, तो दुश्मन इस तरह से डरते थे उनसे। सरदार कुछ दिनों से चुप चुप थे, लग रहा था किसी गहरी सोच में है। कई बार पूछने पे उन्होंने बताया कि वो जानना चाहते थे कि अफगानियों के खीमे में क्या चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं वहां जाऊंगी। वो मानते, मेरा पहला लक्ष्य मुझे मिल गया था। अब वक्त आ गया था कि मैं पठानों के बीच जाके साबित कर सकूं कि अपनी कौम के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूं। एक तो होता है आप में नेचुरल ताकत होती है, आप में नेचुरल गट्स होते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से चैनलाइज करना और सही लोगों के हाथों में आप जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका एंड रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है। तो शरण कौर इस मामले में बहुत ही खुशकिस्मत थी कि उसे हरी सिंह नलवा जैसे सिपे सालार के साथ काम करने का मौका मिला, और जिन्होंने उसके बारे में या उसकी जिंदगी के बारे में ये सोचा कि इसे जासूस बनाया जाए। उसमें वो टैलेंट देखा उन्होंने, उसमें वो कर गुजरने की जो चाहत थी वो उन्होंने नोटिस की। हरी सिंह नलवा ने सोचा कि शायद शरणी को, क्योंकि ये इस इलाके की रहने वाली है, यहाँ की भाषा जानती है, पश्तो अच्छा बोलती है, तो हो सकता है कि मैं इसे किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल करूं। लोक कथाओं के अनुसार शरणी को एक ऐसा ही मिशन दिया गया। जमरूद से कोई 20 मील दूर कई छोटे छोटे अफगानी कबीले थे। उनके बीच एक बड़ा कबीला अकबर अली का था। मैं पास में ही पली बड़ी थी, इसीलिए पश्तो अच्छे से बोल लेती थी। एक अफगानी औरत का भेष बदल के मैं अंदर चली जा रही थी। अफगान सिपाहियों ने मुझे रोका, पर मेरी दुख भरी दास्तान सुनके मुझे अकबर अली से मिलने की इजाजत दे दी। अफगान हमेशा ताक में रहते थे कि उन्हें सिख राज्य पर किस तरह से हमला करना है। हरी सिंह नलवा जी उस वक्त जो जामरूद किला बना रहे थे उसकी इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, वो आसानी से अटैक करके अफगान कैप्चर कर सकते थे, तो इस चीज़ का उन्हें बहुत फिक्र था। अकबर अली इस इंतज़ार में थे, इस प्लानिंग में थे कि उन्हें सिख राज्य पर हमला करना है। हरी सिंह नलवा जी ये सोच रहे थे कि इनकी जो प्लानिंग है, इनके जो आगे क्या करना है इन्होंने, ये हमें कैसे खबर मिल सकती है। मैं सिखों के सबसे बड़े दुश्मन अकबर अली के सामने खड़ी थी। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। अकबर अली मान गए और उन्होंने अपने सिपाहियों को बाहर भेज दिया।
फिर मैंने झूठ बोलना शुरू किया। मैंने उनसे कहा कि सिखों ने मेरे पति को मार डाला। मेरी जैसी कई अफगानी लड़कियां घर से निकलने से भी डरती हैं। वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं ना घबराऊं। अफगान अब सिखों का राज खत्म करने ही वाले हैं। मेरे कान खड़े हो गए। मैं और जोर से रोने लगी। मैंने उनसे पूछा कैसे कैसे मात दे पाएंगे वो सिखों को। फिर अकबर अली ने अपनी तैयारी के बारे में बताना शुरू किया कि जल्द ही अफगान हर जगह से अपनी सेनाएं वापस बुलाकर जमरूद किले पर हमला करने वाले थे। अटॉक और पेशावर की सेनाएं तो पहले ही जमरूद की तरफ चल भी पड़ी थी। वाहेगुरु, ये खबर जल्द से जल्द हरी सिंह नलवा तक मुझे पहुंचानी थी। फिर अकबर अली मेरे करीब आया। मैंने उस कातिल को मार डाला। ये बात हरी सिंह नलवा तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। डर सिर्फ एक बात का था कि कोई मुझे देख ना ले। वाहेगुरु, रहम करना। उसने एक जवान अफगान औरत से अपना रूप बदल के एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और वो बाहर आके भीड़ में मिल गई। अंदर से कबीले के सरदार के सेनानी बाहर निकले, भागते हुए गए। यहाँ वहाँ उस लड़की को ढूंढा उन्होंने, वो उनको कहीं नहीं मिली। जो मिली एक बूढ़ी वृद्ध औरत मिली, जिसको उन्होंने जब पूछा कि कोई लड़की को आपने यहाँ से भागते देखा, उसने कहा नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। उसने वापस जाके फिर हरी सिंह नलवा को पूरी जानकारी दी और बताया कि अफगान आप पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और उनमें कितने लोग हैं और किस टाइम वो हमला करेंगे। अकबर अली की अचानक मौत से अफगानी सेनाओं में खलबली मच गई। उसी वक्त हरी सिंह नलवा के सिपाहियों ने धावा बोल दिया। अफगान तैयार नहीं थे, वो भाग खड़े हुए और खतरा टल गया। सरदार हरी सिंह ने पूरे दरबार के सामने अपने हाथों से मुझे सम्मानित किया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उस दिन के बाद से मैं हरी सिंह नलवा की भरोसेमंद सिपाही और जासूस बन गई। अकबर अली की मौत से भले ही कुछ देर के लिए खतरा टल गया था, पर हम बेखबर होकर नहीं बैठे रह सकते थे। मुझे कई बार खुफिया संदेश पहुंचाने, किले के बाहर दौरा करने और बाहर की सूचना अंदर लाने के लिए भेजा गया। ये सभी काम मैंने पूरी जान लगा के किए। साम्राज्य तो सुरक्षित था, लेकिन धीरे धीरे हरी सिंह नलवा की तबीयत बिगड़ रही थी, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही थी। इस सब के बीच एक बड़ी खुशखबरी आई। महाराजा रंजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह की शादी की। इस शादी में महाराजा रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ साथ अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद को भी बुलाया। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने पोते की शादी बहुत ही धूमधाम से करनी चाहिए। वो दुनिया को दिखा देना चाहते थे अपनी ताकत, अपनी बहादुरी और एक डर पैदा करना चाहते थे। नौनिहाल सिंह की शादी कहते हैं 2 महीनों तक चली। कुछ समय अमृतसर में, फिर उसके बाद लाहौर में। इस मौके पे सब बड़े बड़े सरदारों को बुलाया गया था और अंग्रेजों के कमांडर इन चीफ जनरल फेन को भी दावत दी गई थी। रंजीत सिंह ये चाहता था कि वो अंग्रेजों को सिखों की फौज के साथ इम्प्रेस करे, तो इसलिए उसने सारे अपने सेनानी जहाँ जहाँ दूर इलाकों में नियुक्त थे सबको अमृतसर लाहौर बुला लिया था। दोस्त मोहम्मद को शादी का न्योता दिया गया था
आया तो वो मेहमान बनके, पर उसने अपने पांचों बेटों को अपनी सारी फौज के साथ, रस्ते में जितने कबीले थे उनके आदमियों के साथ एकजुट करके सिखों पे हमला करने के लिए भेजा। हरि सिंह नलवा सुमेरगढ़ के किले में थे और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद वो उस टाइम बीमार थे। शादी में हाजिरी लगाने के बाद बदले की आग में जल रहा दोस्त मोहम्मद अपनी सेना लेके जमरूद की तरफ बढ़ने लगा। उसे पता था उस वक्त सरदार हरि सिंह नलवा वहां नहीं थे, वो बाला हिसार अपना इलाज करवाने गए थे। मेरे लिए अकेले युद्ध करना संभव नहीं था, और अगर मेरी देखरेख में जमरूद को कुछ हो जाता तो मैं अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाती। जमरूद किले के चारों तरफ कई पठान कबीले थे जो सिखों के राज में खुश भी थे, पर दोस्त मोहम्मद किले पे कब्जा करने के लिए इन सब पठानों को अपने साथ मिलाना चाहता था। उसकी दहशत इतनी थी कि कबीले ना करने से डरते थे। अब अफगानों से लड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह सरदार हरि सिंह जमरूद आ जाते। उनका नाम ही दोस्त मोहम्मद और उसकी सेना को डराने के लिए काफी था, पर उन तक खबर कैसे पहुंचती? किले के चारों तरफ का माहौल खतरनाक था, फौज पल पल पास आ रही थी, बाहर जाना मौत को दावत देने के बराबर था। पर करना तो वही था जो ठीक था, मेरा बाहर जाना जरूरी था। अफगान चारों तरफ घात लगाए बैठे थे, मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और मेरा अंदाजा एकदम सही निकला। राखे साइयां मार सके ना कोई, रब ने एक बार फिर मेरा साथ दिया। शरण कौर, ये खबर हरि सिंह नलवा जी को पहुंचाना चाहती थी, जो कि बालासोर में अपना इलाज करा रहे थे। बालासोर और जामरूद के बीच का जो सफर उसने तय किया वो बहुत ही कठिन था, और रास्ते में अफगान फैले हुए थे। उन सिपाहियों से बचती हुई, अपने आप को बचाती हुई, घोड़े पर सवार होकर अकेली लड़की जंगलों से गुजरती हुई, सन्नाटे को चीरती हुई पहुंच गई बालासोर हरि सिंह नलवा जी के पास। सरदार को ऐसे बीमार देखकर मेरा दिल नहीं हुआ कि उन्हें आने के लिए कहूं, पर मैं उन्हें झूठ नहीं बोल सकती थी। मैंने उन्हें सारे हालात सच सच बता दिए। उन्होंने कहा कि जमरूद की रक्षा करने वो मेरे साथ जरूर चलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जाऊं और चलने की तैयारी करूं। हे वाहे गुरु, मेहर रखना। हरि सिंह नलवा ने अब लाहौर से फौज के आने का इंतजार बिल्कुल नहीं किया। वो बीमारी की हालत में उठे, जितने लोग उनके पास थे उनको इकट्ठा किया, और रात को ही जमरौद की तरफ अपनी सेना को लेके निकल पड़े। 30 अप्रैल 1837 सुबह वो मैदाने जंग में पहुंचे। जैसे ही अफगानों ने उनको देखा उनमें दहशत फैल गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हरि सिंह नलवा आएंगे पेशावर से। वो भागने शुरू कर दिया उन्होंने, जितनी भी गुफाएं थी वहां जाके वो सब
छिप गए। अचानक दूसरी टुकड़ी अफगानों की एकदम से वहां पे हाजिर हो गई, खैबर दरिया से दरा से निकलती हुई। उनको नहीं पता था कि मैदान जंग में क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ सिखों को देखा, उन्होंने एकदम से उन पे वार किया और इसी कंफ्यूजन में हरि सिंह नलवा को गोली लगी। कुछ लोग कहते हैं तलवार से काटे गए, कुछ लोग कहते हैं गोली लगी। खैर जो भी हुआ, हरि सिंह नलवा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्होंने अपने घोड़े का मुंह मोड़ा और वो जमरौद के किले के अंदर चले गए। जिस इंसान ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी वो नहीं रहा। हरि सिंह जी सिर्फ मेरे सरदार नहीं, मेरे गुरु भी थे। जैसे ही शरण कौर जख्मी हरि सिंह जी को फोर्ट के अंदर ले जाती है और क्या देखती है, हरि सिंह नलवा जी नहीं रहे। उनका मृतक शरीर देखकर शरण कौर के लिए जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसके सर पर से जो आसरा था, जो ताकत उसे देता था, उसे लगा कि वो सब कुछ खो चुकी है। पर उसने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उस पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। फोर्ट को बचाना उसकी भी जिम्मेदारी थी। पर अब हरि सिंह नलवा जी की जो मौत हुई, जो उनका शव उसके सामने पड़ा था, वो चाहती थी कि ये खबर बाहर ना जाए, क्योंकि अगर ये खबर बाहर चली गई तो सिखों के लिए बहुत बुरा होगा। जामरूद तो जाएगा ही जाएगा, बट दूसरे हिस्से भी सिख साम्राज्य के वो गंवा सकते थे। दुश्मन अभी दूर नहीं गया था। एक ही बात उसे रोके बैठी थी कि जमरूद के किले की दीवारों के अंदर सरदार हरि सिंह नलवा बैठा था शेर की तरह अपने किले की रखवाली करने के लिए। अगर पठानों को सरदार हरि सिंह के बारे में पता चल जाता तो जमरूद को हाथ से जाने में समय नहीं लगता। जल्द से जल्द लाहौर में ये बात महाराजा रंजीत सिंह को पहुंचानी थी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा करना जरूरी था जिससे दुश्मन जमरूद की तरफ देखे भी तो सरदार हरि सिंह के दर्शन पाके लौट जाए। लोक कथा के अनुसार हरि सिंह की जो शरीर था उसके अंदर से सफाई करके, उसके अंदर तेल लगा के उसके शरीर को प्रिजर्व किया गया। और लोक कथाएं कहती हैं कि शरणागत कौर ने यह राय दी कि हरि सिंह नलवा को घोड़े पे बिठा के, बैठ तो वो सकते नहीं थे परंतु बांध के ताकि दूर से दिखे कि वो घोड़े पे बैठे हुए हैं, उनको किले के ऊपर एक बारी दिन में घुमाया जाए ताकि अफगान दूर से देखें कि हरि सिंह नलवा जिंदा है। तरकीबें इस्तेमाल की गई उससे नतीजा ये हुआ कि अफगानों को हमेशा ये शंका रही कि शायद हरि सिंह नलवा जिंदा है। और इस शायद के कारण, इस शायद के आधार पे ना सिर्फ अफगानों की सारी सेना इस छोटे से जमरौद के किले के आसपास खड़ी रही बिना कोई वार किए, ना केवल एक दिन, ना केवल दो दिन, परंतु 10 दिनों तक रुके रहे। मुझे पता था ये झूठ ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं था। किसी न किसी तरह ये सारी खबर महाराजा रंजीत सिंह तक पहुंचानी थी। मुट्ठी भर लोगों को पता था केवल कि हरि सिंह नलवा की मौत हो गई है। अब ये खबर महाराजा रंजीत सिंह तक पहुंचानी थी। फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि इस खबर को कौन लेके जाएगा। शरणागत कौर ने फिर एक बारी, लोक कथाएं कहती हैं शरणागत कौर ने फिर एक बारी वॉलंटियर किया। उसने कहा मैं जाऊंगी
मेरे पे इतना शक नहीं होगा। मैं किसी तरह छोटी हूं, दिखूंगी नहीं इतनी, दाढ़ी नहीं है, मैं नौजवान बनके, नौजवान लड़का बनके भी जा सकती हूं। तो उसने डिस्गाइज किया अपने आप को और रंजीत सिंह तक खबर पहुंचाई। हरी सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह के खास जनरल थे और उनकी मौत से महाराजा रंजीत सिंह को गहरा धक्का लगा। उन्होंने वादा किया कि जमरूद की रक्षा के लिए वो खुद आएंगे अपनी फौज लेके। महाराजा रंजीत सिंह आए। उनका हमला इतना खतरनाक था कि दोस्त मोहम्मद बिना लड़े ही वहां से भाग गया। जब अफगानों को पता लगा कि लाहौर की पूरी सेना पेशावर तक पहुंच गई है तो वो सब डर के काबुल वापस भाग गए। लड़ाई जो है वो महाराजा रंजीत सिंह ने लड़ी, शरण कौर ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया और जामरूद को फिर से शरण कौर की वजह से बचाया गया। उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी। उसने एक जासूस की जो जिम्मेदारी थी, एक जासूस का जो कार्य था, उसने बहुत ही ईमानदारी से निभाया। जामरूद की फतेह के बाद महाराजा रंजीत सिंह जी ने शरण कौर को अपने दरबार में बहुत ही सुंदर तलवार देकर सम्मानित किया। इससे शरण कौर की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वो चाहते थे कि शरण कौर दूसरे सिपाहियों को ट्रेनिंग देकर अपने जैसा जासूस बनाए, ना कि सिर्फ सिपाही बनाए, बल्कि एक जासूस की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, एक जासूस को कैसे पारखी नजर रखनी चाहिए, एक जासूस को अपनी जान बचाकर भी अपने देश का बचाव करना है, अपने लोगों का बचाव करना है। ये सब तकनीकियां वो दूसरे सिपाहियों को सिखाए और अपने जैसा बनाए। इससे साबित होता है कि महाराजा रंजीत सिंह जी ये दिमाग में रखकर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे शरण कौर से कि वो अपने जैसी और शरण कौर पैदा करे। महाराजा रंजीत सिंह ने मुझे और जासूस तैयार करने की जिम्मेदारी दी, जासूस बनने की बारीकियां सिखाने की जिम्मेदारी दी। मैं कई बार सोचती थी कि अगर मैं अब तक शरणी ही होती, शरण कौर ना बनी होती, तो मेरी जिंदगी कैसी होती? अगर मेरी डोली डाकुओं ने ना लूटी होती तो मेरी जिंदगी कैसी होती? अगर मेरी कहानी वो बुरा मोड़ नहीं लेती तो क्या कभी इतना अच्छा मोड़ ले पाती? जामरूद की फतेह अंत नहीं था, यहां से शरण कौर की शुरुआत होती है एक नई जिंदगी की, नए सिपाही तैयार करने की, नए जासूस तैयार करने की। ये उसने बहुत खूबी निभाया। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई और मुझे गर्व है कि उस समय तक मेरी जैसी कई लड़कियां उनकी सेना में शामिल हो चुकी थीं। फिर जैसा अक्सर होता है वही हुआ, इतिहास के पन्नों से हम सब का नाम कहीं खो गया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.